एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम सिंह की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं फिर से लेके आई हूं आपके लिए लवली सा सैलड डेकोरेशन जो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं बताती हूं आपको कि मैंने क्या क्या इसमें वेज यूज़ किए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मेरे जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या वेज यूज़ किया है इसको बनाने में। इस बार सैलड डेकोरेशन के लिए मैंने लिया है, सबसे पहले तो मैं ये रोज़ मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि रोज़ अगर आप बनाती है तो सैलड में जो है वो और भी ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाता है। और ये लिया है मैंने पर्पल, ये जो कैबेज है वो ये पर्पल कलर का कैबेज है और ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए मैं बार बार इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं सैलड खाने में बहुत यूज़ करती हूँ और हर सब्जियां मैं सैलड में यूज़ करती हूँ। तो ये पर्पल पत्ता गोभी है और सबसे मेन डेकोरेशन करने के लिए हमें रंग बिरंगी सब्जियां तो चाहिए ही। ये मैंने लिया है कुकुम्बर, मैंने आपको बताया कि कुकुम्बर मार्केट में दो टाइप के आते हैं, एक देसी और ये चाइनीज़। तो ये चाइनीज़ कुकुम्बर है क्योंकि इसमें सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं सो ये मुझे अच्छा लगता है। और सबसे मेन ये आपको कड़वा नहीं निकलता है फिर से। अब इसको मैंने कुकुम्बर यहाँ पे इसके साइजेज आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे साइजेज हैं, तो यहाँ पे कुकुम्बर और ये मैंने लिया है ग्रीन कलर वाला ग्रीन वाइट पत्ता गोभी। ये वाइट कलर वाला है क्योंकि जो डिज़ाइन में बनाऊंगी उसमें इसकी मुझे ज़रूरत थी। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टोमेटो। अब टोमेटो तो इतने ही बड़े पीसेज होते हैं, इसे तो कम छोटे पीसेज होते नहीं है, बहुत छोटे छोटे पीसेस मैं नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन जो था उसके अकॉर्डिंग मुझे इसके जो साइजेस थे सैलेड के वो चाहिए। ये देखिए कितना लवली लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है। यहाँ एक बार और मैं यहाँ पे कैबेज ऐड करूँगी। ये आप देखिए सब्जियाँ मैं आपको काटना सैलेड इसलिए नहीं बताती कि सारे सब्जियाँ एक ही तरह कट होती हैं और इतना इजी है कि आप देख के तो कट कर ही सकती हैं और बार बार कट करने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं कट करके ही दिखाती हूँ। तो इस तरह मैंने ये देखे कर लिया चारों तरफ से अरेंज और कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लुक लग रहा है इसका। अब पीछे साइड में हम देखेंगे कि पीछे साइड में अब हम क्या ऐड करें। तो इसमें मैंने लिया है ये रेडिश, ये देखिए। और रेडिश को हमेशा इससे कट करेंगे क्योंकि अगर इसे सर्कल सर्कल में सेट कट करेंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इस तरह मैंने कट किया, अरे सॉरी सर्व किया। अब इसमें मैं कैरेट, ये देखिए कैरेट को भी इसमें ऐड करूँगी जिससे कि इसका जो लुक है थोड़ा सा प्यारा है, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा येलो, तो बहुत ही लवली लगेगा। अब यहाँ पे मैं साइड में ग्रीन चिल्ली ऐड करूँगी, इनके लंबे लंबे स्लाइसेस मैंने लिए हैं। तो आपका ये लवली सा डेकोरेशन बिल्कुल तैयार है, आप देख सकती हैं। इसमें मैंने बहुत लिमिट सब्जियां ली हैं और इसमें मैंने अनियन ऐड नहीं किया है और इसमें मैंने बीटरूट ऐड नहीं किया है, फिर भी कितना लवली लग रहा है। अगर आप कहेंगे कि इसमें आपने लेमन ऐड नहीं किया, सॉल्ट ऐड नहीं किया, तो सॉल्ट मैं इसलिए ऐड नहीं करती कि किसी भी सैलेड में सॉल्ट ऐड नहीं करते हैं क्योंकि जो सैलेड है सारे बेकार हो जाएंगे सॉल्ट डालने पर। तो जब आप यूज़ करें सैलेड को उस सॉरी सैलेड को तो उस वक्त आप सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं।